तो गाइस नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ लेबर कार्ड का ऑनलाइन पेमेंट कैसे आप लैपटॉप या आप अपने मोबाइल फ़ोन से पे कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको ही बताया है कि लेबर कार्ड का ऑनलाइन पेमेंट चाहे एक साल का पेमेंट हो या दो साल का, तीन साल का, एक साथ में पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि श्रम का वो लेबर कार्ड का पेमेंट आप कैसे कटा सकें। तो प्लीज़ इस चैनल जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ लेबर कार्ड का, जैसे कि हर साल आपका पेमेंट कटाना पड़ता है तभी आपका लेबर कार्ड चलता है, या तीन साल के लिए एक बार पेमेंट कटा देने पर आपका तीन साल के लिए लेबर कार्ड श्रम मंत्रालय द्वारा वैध हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूँ कैसे ऑनलाइन लैपटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से किस वेबसाइट के थ्रू आप लेबर कार्ड का पेमेंट कटा सकते हैं, तीन साल या अथवा दो साल या एक साल का पेमेंट कटा सकते हैं। तो सर प्रथम आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे यूपी, ये वेबसाइट आपको लिख दे रहा हूँ। इसी वेबसाइट पर आपको जो वेबसाइट गूगल पे मैं लिख रहा हूँ ये वेबसाइट आप भी जाकर अपने लैपटॉप या पीसी के माध्यम से गूगल पे लिख देंगे। ये वेबसाइट ये आपको हाईलाइट करके ये वेबसाइट आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद आप उस पर नेक्स्ट चैप्टर खोलेंगे, ये पूरा आपको ये श्रम मंत्रालय लेबर कार्ड का वेबसाइट पूरा खुल जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद ये देखो www.upbocw.in यही वेबसाइट है मेन। ये वेबसाइट आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, उसके बाद ये आपको ये देखो उत्तर प्रदेश भवन राज्य कर्म निर्माण ये बोर्ड, ये आपको वेबसाइट खुल गई। उसके बाद ये आप आएंगे श्रमिक पे, श्रमिक पे आएंगे नवीन पंजीकरण स्थिति पर, नवीन पंजीकरण स्थिति पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन संख्या जो आपने श्रम मंत्रालय में जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, जो आपको रजिस्ट्रेशन संख्या मिली है वो आप यहाँ पर अपना वो श्रम मंत्रालय का रजिस्ट्रेशन संख्या डाल देंगे। जो भी कस्टमर का आप रजिस्ट्रेशन संख्या डालें यही रजिस्ट्रेशन संख्या आप डाल सकते हैं जो कस्टमर आपके पास लेकर आएगा। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन संख्या डालने पर उसके बाद आप यहाँ पर चले आएंगे सर्च पर, सर्च आप रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद आप सर्च पर क्लिक कर देंगे, ये देखो। उसके बाद सर्च पर क्लिक करने के बाद आप नीचे थोड़ा पुश कर लेंगे, मैंने सर्च कर दिया। उसके बाद ये खुल गया, उसके बाद एक एक चैप्टर आप खुल गया, कितने तारीख को ये आपको बना है, कितनी उम्र है, जन्मतिथि है, कितनी क्या है। उसके नवीनीकरण पे आप ओके कर देंगे, नवीनीकरण करें इस पर आप ओके कर देंगे नवीनीकरण करने पे। उसके बाद ये नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, ये आपको जो 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 आपने डॉक्यूमेंट लगाया था आधार कार्ड, एफसी कोड नंबर, जैसे मान लीजिए आपके या अकाउंट नंबर में एफसी कोड में कोई प्रॉब्लम है ये भी आप संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखो अपना नवीनीकरण की अवधि चुनिए, आप किस कितने सर कितने वर्ष का आप पेमेंट कटा रहे हैं, एक वर्ष का, चार वर्ष का या तीन वर्ष का, मान ली तीन ही वर्ष का कटता है, चार वर्ष का नहीं कटता दोस्तों। उसके बाद ये मैंने एक बस का सिलेक्ट किया, नवीनीकरण जमा करें इस पर मैंने क्लिक कर दिया। नवीनीकरण जमा करने पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये पेमेंट की प्रोसेस चलने लगा। आप किस माध्यम से अपना पेमेंट कटाना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या क्यूआर कोड के माध्यम से, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्यूआर कोड के माध्यम से कैसे ऑनलाइन लेबर कार्ड का पेमेंट आप कटा सकते हैं। ये देखो मैंने प्रोसेसिंग फीस मान लीजिए एक साल का 20 रुपये कटता है, तो मैं ये 20 रुपये कटा दे रहा हूँ ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कटा दे रहा हूँ। ये देखो क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे पेटीएम के माध्यम चाहे फ़ोन के पे के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कटा देंगे। ये देखो मैंने ये पेमेंट कटा दिया। उसके बाद ये आपको पावती यानी कि रिसीप्ट प्रिंट आउट या आपको पावती यार मिल जाएगी पर्ची। इस तरह आप किसी भी कस्टमर का ऑनलाइन लेबर कार्ड का पेमेंट कटा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको इसी तरह वीडियो मिलती रहे।